गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज का हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग लिखा हुआ है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर ड्राइंग क्लास। आज हम थोड़ा सा ड्राइंग करना भी सीखेंगे। बहुत दिन से मैम ने आपको कुछ ड्रॉ करके नहीं दिखाया ना, तो स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में दो पिक्चर्स आई थी आज हम उन्हें ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, उनको ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले डेट देखिए, 28/10/2020 यानी 28 अक्टूबर 2020 एंड डे इज वेडनेसडे, WEDNESDAY। वेडनेसडे यानी कि आज कौन सा डे है, बुधवार। वेडनेसडे यानी कि बुधवार। सो स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों ने जो ड्राइंग की थी वो खुद की थी ना, मम्मा पापा से तो नहीं करवाई थी ना। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मैम आपको एक बार बना के दिखाएगी। तो आपके एग्जाम में दो चीजें आई थी, क्या क्या आई थी, एक तो एप्पल। तो स्टूडेंट्स हम एप्पल बना के देखेंगे कि एप्पल कैसे बनाया जाता है। सभी बच्चे मैम को ध्यान से देखेंगे और खुद भी घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ड्रॉइंग भी आना बहुत जरूरी है। देखो मैम का जो है एप्पल तो बड़ा गंदा बन गया, इसको हम रब कर लेते हैं, आगे यहाँ से बनाएंगे। ठीक है तो बच्चों आप भी इस तरह से प्रैक्टिस किया करो घर पे। ठीक है, एक बार अगर गलत बनता है तो उसको रब करके दोबारा बनाइए। ठीक है, रब करके दोबारा बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। अब थोड़ा ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको फिर से रब करेंगे। ठीक है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बता रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एप्पल जो है वो बन गया। आप इससे बड़ा एप्पल भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम एप्पल की आईज बनाएंगे। रियलिटी में थोड़ी ना होती है उनकी आईज और नोज, लेकिन हम पिक्चर्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके आईज नोज हैंड सब कुछ बना देते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में आया था तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी। अब जैसे जैसे मैम करती जा रही है आप भी करिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल। बताइए कलर क्या होता है एप्पल का, आपको तो पता होगा एप्पल तो हम रोज खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं ना, तो बताइए एप्पल का कौन सा कलर होता है। यस, रेड कलर। एप्पल कौन से कलर का होता है, रेड। रेड मीन्स लाल। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एप्पल की स्पेलिंग लिख देंगे AAPPL, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड है तो इसमें तो कलर होगा नहीं, और रेड कलर भी नहीं है, रेड चॉक भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आप खुद से क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग बुक में पहले एप्पल ड्रॉ करेंगे, देन उस पे रेड कलर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ RED, रेड। ये इसमें कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा, ताकि आपको याद रहे। एक और पिक्चर आई थी बच्चों आपके उसमें एग्जाम में एग्जाम क्वेश्चन पेपर में क्या थी, वो थी फिश। तो चलिए अब हम फिश बनाना सीखेंगे। ये फिश का माउथ ऐसी होती है ना शेप, आप सभी बच्चों ने देखी होगी शेप, और बहुत बच्चों के घर में तो एक्वेरियम भी होगा है ना, तो एक्वेरियम में भी तो फिश देखते हो आप। फिश कहाँ रहती है बच्चों, पानी में। सुना है ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। पानी में क्या करती है, फिश तैरती रहती है। सुना है ना मछली जल की रानी, नर्सरी के बाहर निकाल।
स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फिश भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक पेज पे एप्पल, एक पेज पे फिश, और फिश का नेम भी लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि फिश कौन कौन सी कलर की होती है। फिश बहुत सारे कलर की होती है, इवन फिश कलरफुल होती है, ब्लू, हल्की सी रेड, गोल्डन, व्हाइट, सिल्वर, ऐसे कलर की होती है ना बच्चों, होती है कि नहीं होती फिश। तो आप फिश में कोई भी सुंदर सा कलर अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और भी अच्छी फिश बनानी आती है मैम से भी अच्छी, तो आप क्या कर सकते हो, सुंदर सी फिश बना के मैम से चेक करवा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हमने क्या ड्रॉ किया, एप्पल। तो एक बार एप्पल की स्पेलिंग रीड करिए, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो चलो बच्चों एक बार आपको एप्पल की भी एक पोयम सुनाओ। चलिए एक बार एप्पल की भी एक पोयम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले एक बार एप्पल की पोयम करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ एप्पल की पोयम करेंगे, तो चलिए बोलिए। लाल लाल सा प्यारा सेब, लाल डॉक्टर को क्या करता है, दूर भगाता है, ठीक है, क्योंकि एप्पल खाने से क्या होती है, हमें बीमारियां कम होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पोयम में मजा आया, आप एप्पल बनाने के साथ साथ पोयम भी कर सकते हैं। और मछली वाली पोयम तो मैंने आपको सुना ही दी है, फिश वाली। तो एप्पल में आप रेड कलर करेंगे और फिश में आप कौन सा कलर करेंगे, फिश में आप कोई भी अच्छा सा कलर, ब्यूटीफुल सा करेंगे। और जो इसके नीचे बॉर्डर है वो कैसा इसीलिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब अच्छे से ड्रॉ करना, कलर करना और खुद करना, ठीक है, मम्मी या पापा से या बहन भाई से ड्रॉ नहीं करवाना, ओके। और अगर आपको समझना है तो आप मैम से पूछ लेना। ओके बाय स्टूडेंट्स।